हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को वो दिल्ली पहुंचे जहां पर उन्होंने आरएसएस के साप्ताहिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही खेल में हरियाणा की मिट्टी की पीएम द्वारा की गई तारीफ को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान पर रहता है और इसलिए सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल आरएसएस के साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने में पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। सीएम ने कहा कि घटते पेट्रोल डीजल से आम लोगों को वाहन चलाने में और किसान को ट्रैक्टर चलाने में काफी राहत मिलेगी, वहीं रसोई गैस का खर्च भी कम आएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है, डीजल में कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपया प्रति लीटर और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपया प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक रसोई का खर्चा कम करने के लिए या आम आदमी को वाहन चलाने में अथवा ट्रैक्टर चलाने में ये जो महंगाई की थोड़ी मार पड़ रही थी उसके कारण से बहुत एक उनको राहत मिलेगी, इसलिए इस विषय में मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने पूछा कि हरियाणा की मिट्टी का राज क्या है। पीएम ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। उन्नति ने धाकड़ अंदाज में जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा के खिलाड़ी की प्रतिभा के पीछे दूध दही का कमाल है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। खेल में हरियाणा के मिट्टी के पीएम की ओर से की गई तारीफ को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान पर रहता है और इसलिए सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने में लगी। सीएम ने कहा कि हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं कि खेलों में हरियाणा और कैसे आगे बढ़े और खिलाड़ियों को इनामी धनराशि देने की बात हो या उन्हें नौकरियां देने की बात हो, उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल खेलो इंडिया की मेजबानी भी हरियाणा को मिली है। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है। जानते हैं कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक महिला खिलाड़ी से बातचीत करते हुए, उन्नति उसका नाम था, और जिस प्रकार से हरियाणा की तारीफ की है और हरियाणा की धरती में ऐसी कौन सी विशेषता है माटी में, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। दूध दही का खाना ये विषय आया और इसको हम लोग लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा खेलों में और आगे बढ़े, चाहे वो इनाम के नाते से धनराशि की बात हो अथवा खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात हो, ये सब चीज़ें उनके प्रोत्साहन में कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है उसकी मेज़बानी हरियाणा को मिली है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंचकुला में ये खेल 3 जून से और 4 जून से और 13 जून तक ये 10 दिन के अंदर सम्पन्न होंगे। गेहूं की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडियां हमने खोली है, लेकिन किसानों ने पहले से ही अपना गेहूं बेच दिया था। जो बच रहा था वो कुछ दिनों तक खरीदा था। अब मंडियों में गेहूं नहीं आ रहा है, लेकिन हमने घोषणा कर रखी है तो 30 तारीख तक सारा सिस्टम बना रहेगा, जिसको गेहूं लेकर जाना है मंडियों में ले जा सकता है। मंडियां हमने खोली है, लेकिन प्राय ध्यान में आ रहा है कि किसानों ने अपनी जो गेहूं या तो पहले बेच दी है, थोड़ी बहुत बची हुई थी तो वो इन समय बेच दी है, अब मंडियों में कोई गेहूं नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि घोषणा कर रखी है तब तक हमारा सारा सिस्टम बना रहेगा। कभी भी कोई अगर किसान जिसका बचा हुआ गेहूं है वो लेकर के आएगा तो उस समय तो उसको ले लिया जाएगा, फिर लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती का कार्यक्रम इस समाज के जितने महापुरुष हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं।
संत कबीर की जयंती भी रोहतक में मनाई जाएगी। इसी तरह से हमने प्रदेश में तमाम महापुरुषों की जयंतियां पूरे धूमधाम से मनाई। दिल्ली से वर्ष शर्मा की रिपोर्ट।